नमस्कार, मेरा नाम है एनरिक और आप देख रहे हैं सरकारी वायर। आजकल बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अपने नए ग्राहकों से CKYC नंबर मांग रही हैं, लेकिन यह CKYC नंबर क्या है और कहाँ से लाकर दें, इस विषय पर आज बात करेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि आगे शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CKYC का सीधा मतलब है सेंट्रल KYC। पहले मल्टीपल KYC होते थे, आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में या बैंक में जाके अकाउंट खुलवाने में या इंश्योरेंस कंपनी के पास में कोई भी पॉलिसी शुरू करवाते समय KYC करानी पड़ती थी। यह मल्टीपल KYC का सिस्टम खत्म हो, इसीलिए सरकार सेंट्रल KYC लेके आई है। CKYC मिलने के बाद में क्या होगा? आपका एक ही KYC नंबर सभी जगह पर मान्य रहेगा। जितने भी वित्तीय संस्थानों में आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे, हर जगह पर बस वो एक CKYC नंबर आप दे देंगे और आपका खाता खुल जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट जमा कराने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। केवल CKYC नंबर बताने पर ही आपका पूरा KYC डाटा उनको मिल जाएगा। अब यह CKYC जनरेट कैसे होता है? एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है सरसाई। ये एक डिपॉजिटरी है। यहाँ पर आप सभी KYC रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं और इनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा भी सरसाई के ऊपर है। यह जो डिजिटल प्रोसेस है CKYC का, काम कैसे करता है? इसमें क्या है कि ग्राहक एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, एक एप्लीकेशन डालता है ऑनलाइन, सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करने से, और यह एप्लीकेशन जाती है सरसाई के पास और आपके आधार और पैन की डिटेल के जरिए सरसाई आपका KYC करते हुए, जिसे आप CKYC कहते हैं, आपको एक CKYC नंबर जनरेट करके दे देता है। यह नंबर होता है 14 डिजिट का। अगर आप ऑनलाइन कोई पेमेंट कर रहे थे, इंश्योरेंस वगैरह खरीदने की कोशिश कर रहे थे और CKYC आपका अपडेटेड नहीं दिखा रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CKYC नंबर आप जनरेट करवा सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की कोशिश कर रहे थे, मान लीजिए अपनी बाइक का ही इंश्योरेंस कराने की कोशिश कर रहे थे और आपसे CKYC नंबर मांगा जा रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाके आप कह दीजिए कि मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए। जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई करते समय आपसे CKYC ऑनलाइन मांगा जा रहा है, एक बार के लिए आपको यह खुद जाके कराना पड़ेगा। मतलब आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑफिस में जाइए, अगर कोई टू व्हीलर इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके पास जाइए और कहिए कि आप मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन करता हूँ तो CKYC नंबर मांगा जाता है जो कि मेरे पास नहीं है। अब क्या होगा, ये इंश्योरेंस पॉलिसी वाला आपके SMS पे एक लिंक भेजेगा, उस पे क्लिक करके आप सरसाई को एक रिक्वेस्ट भेज देंगे कि मेरा CKYC जनरेट कर दिया जाए। क्योंकि आप सीधे रूप में इसे जनरेट नहीं कर पा रहे होंगे सरसाई के थ्रू, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये रिक्वेस्ट जब आपकी तरफ से भेजेगा और आप उसमें OTP के थ्रू अपनी स्वीकृति देंगे सरसाई को, तो यह काम हो जाएगा, आपका CKYC आपको मिल जाएगा और अगली बार आप आराम से जो कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आपको दोबारा CKYC के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। के अलावा हो सकता है आपके डाउट्स और भी हों, जैसे CKYC सर्टिफिकेट डाउनलोड कहाँ से होगा, अगर CKYC में गलत मोबाइल नंबर या ईमेल दे दिया है उसे कैसे अपडेट करें। तो आपके सभी सवालों का हल करने के लिए इस चैनल पर CKYC की प्लेलिस्ट डाली जा रही है। बाकी वीडियोस भी आप इस चैनल की विजिट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।